अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। आतिशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद बोली आतिशी, केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली के लोग दुखी, केजरीवाल को दोबारा सीएम बनाना मेरा मिशन। आतिशी ने कहा, बीजेपी ने केजरीवाल को 2 साल परेशान किया, उनकी ईमानदारी पर कीचड़ उछाला गया। आतिशी कैबिनेट में सभी पुराने मंत्रियों को मिलेगी जगह, सूत्रों की खबर, 2 नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, चुनाव तक ही रहेगा नया सीएम, वो भरत की तरह शासन करेंगे। आपको खत्म करने की साजिश रची गई, आप नेता गोपाल राय का बीजेपी पर आरोप। आतिशी को दिल्ली की नई सीएम चुने जाने पर बीजेपी हमलावर, कठपुतली मुख्यमंत्री बताया। किरेन रिजिजू ने आतिशी को लेफ्टिस्ट बताया, कहा इनके परिवार ने अफसल गुरु को फांसी से बचाने की लड़ाई लड़ी। आतिशी पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का अटैक, उनके परिवार ने अफसल गुरु को हीरो माना। स्वाति मालीवाल ने भी साधा निशाना, कहा आज का दिन दिल्ली के लिए दुखद, आतिशी का परिवार आतंकी के लिए लड़ा। आपने स्वाति मालीवाल का इस्तीफा मांगा, दिलीप पांडे बोले बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ती है मालीवाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर तंज, आतिशी को सीएम बनाकर हरियाणा चुनाव में मांगेंगे वोट, पर जनता नहीं करेगी भरोसा। केजरीवाल पार्टी का चेहरा तो बदल सकते हैं लेकिन चरित्र नहीं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का निशाना। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आतिशी को डमी सीएम बताया, कहा अरविंद केजरीवाल चलाएंगे सरकार। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का तंज, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल, लेकिन ये ड्रामा नहीं चलेगा। बीएसपी प्रमुख मायावती का अटैक, केजरीवाल का इस्तीफा चुनावी चाल, दिल्ली में बढ़ रही समस्याओं का हिसाब कौन देगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई, कहा बिना इजाजत ना करें कार्रवाई। सड़कों, फुटपाथों और रेलवे लाइन्स के अवैध अतिक्रमण पर आदेश नहीं लागू होगा, 1 अक्टूबर को फिर होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र ने जताई आपत्ति, कहा संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्रवाई 2 हफ्ते रोकने से आसमान नहीं फट पड़ेगा। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता, ये लोगों को डराने के लिए था। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकारों की बुलडोजर नीति को आईना दिखाया। सरकार बुलडोजर के जरिए दहशत फैला रही थी, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान। जम्मू कश्मीर में कल पहले चरण की वोटिंग, 24 सीटों पर मतदान होगा। 19 सितम्बर को श्रीनगर में चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी। 25 सितम्बर को होने वाले दूसरे चरण के लिए मांगेंगे वोट। 26 सितम्बर को सोनीपत में रैली करेंगे पीएम मोदी, हिसार में भी प्रचार करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह, कहा राहुल हर भाषा में झूठ बोल सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह का राहुल और उमर अब्दुल्ला पर आरोप, इनका एजेंडा चुनाव के बाद सभी आतंकियों को रिहा करना। हुड्डा एंड कंपनी अग्निवीर योजना पर झूठ फैला रहे अमित शाह का निशाना। चुनाव प्रचार में जुटे हरियाणा के सीएम नायब सैनी, कहा बीजेपी ने जो घोषणाएं की वो जमीन पर लागू की। सीएम नायब सैनी की पत्नी भी चुनाव प्रचार में उतरी, कहा किसान समेत हर समुदाय बीजेपी के साथ, 7वीं बार भी जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। अम्बाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल विज का बयान, हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस कल जारी करेगी मैनिफेस्टो, दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में होगा लॉन्च। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, चरणजीत सिंह चन्नी और मुकेश अग्निहोत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई। मोदी सरकार के 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड जारी, अमित शाह ने कहा पीएम के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा बहुत जल्द कराई जाएगी जनगणना, इसी कार्यकाल में लागू करेंगे एक देश एक चुनाव। अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा वक्त संशोधन बिल को संसद से पास कराएंगे। सरकार के 100 दिन पूरा होने और पीएम मोदी का जन्मदिन होना सुखद संयोग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह ने कहा 100 दिनों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होंगे। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन, देश के लिए प्रेम और समर्पण पीएम के जीवन का हिस्सा। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मनोज झा का केंद्र पर अटैक, कहा सामाजिक न्याय और लोकतंत्र के मूल्यों पर चुप्पी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का मोदी पर अटैक, कहा जाति आधारित गणना के विरोधी हैं पीएम मोदी। 21 सितंबर से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होंगे। अपने जन्मदिनों पर ओडिशा को पीएम मोदी ने दी सौगात, 3800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गणपति पूजा विवाद पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक, कहा समाज को बांटने वालों को गणेश पूजा से दिक्कत। पीएम मोदी पर कांग्रेस का पलटवार, कहा हमें गणेश पूजा से दिक्कत नहीं, वो मैसेज देना चाहते हैं न्याय व्यवस्था भी मेरी जेब में है। पीएम मोदी ने सरकार के 100 दिन पूरा होने पर भी जिक्र किया, कहा अपनी गारंटी पूरी करके दिखाई है। भुवनेश्वर में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से मिले पीएम मोदी, कहा तेज गति से पूरे किए जा रहे हैं सभी वादे। दिल्ली में हुई 8वीं यूएस भारत 2+2 अंतरस्तरीय वार्ता, आपसी सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर बात की गई। दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को खत लिखा, राहुल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर एक्शन लेने को कहा। खड़गे के लेटर पर रवनीत सिंह बिट्टू का पलटवार, दूसरों को सिखाने के बजाय अपने राहुल को सिखाए। चंडीगढ़ में रवनीत बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल पर दिए बयान पर जताई नाराजगी। कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई की रिपोर्ट परेशान करने वाली विकिपीडिया को ट्रेनी डॉक्टर की तस्वीरें हटाने का।
आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सरकार का काम, उन्हें नाइट शिफ्ट करने से नहीं रोक सकते। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में ईडी की जांच तेज, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ईडी का तलाशी अभियान जारी। कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार ने कार्यभार संभाला, विनीत कोयल की जगह ली। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स काम पर लौटेंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बैठक में आंदोलन के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। डॉक्टर्स के प्रदर्शन को बीजेपी का समर्थन, सांसद राजू बिष्ट बोले बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 नवंबर को रखी। इन्हीं की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचेंगे आप विधायक अमानतुल्ला खान, गिरफ्तारी को दी चुनौती। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, हाईकोर्ट ने कारोबारी अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह को दी नियमित बेल। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए बीजेपी विधायक मुनिरत्न जमानत पर सुनवाई कल। दिल्ली हाईकोर्ट से लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को नियमित जमानत, जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली। दिल्ली में ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अनावरण किया। छत्रपति संभाजी नगर में मराठवाड़ा मुक्ति दिवस समारोह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। सीएम योगी ने से मिले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, लखनऊ में घर जाकर मुलाकात की। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर काल भैरव का आशीर्वाद लिया। सुप्रीम कोर्ट परिसर में शुरू हुआ दिल्ली सरकार का हेल्थ सेंटर, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उद्घाटन किया। कल्याण कर्नाटक उत्सव में शामिल हुए सीएम सिद्धारमैया, कहा कुलबर्गी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। मणिपुर के इम्फाल में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान लॉन्च, सीएम एन बीरेन सिंह ने लॉन्च किया। यूपी के फिरोजाबाद में घर में चल रही पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हादसे में 4 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले बीजेपी पार्षद को मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब की मोगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय अवैध हथियार गिरोह का भांडाफोड़, 6 लोग गिरफ्तार। लखनऊ में विधायक निवास परिसर में युवक का शव मिला, मानसिक रूप से परेशान था युवक। वाराणसी में विद्या शक्ति कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, नई वॉर्मिंग मशीनों को दिखाई हरी झंडी। देश भर में गणपति विसर्जन की धूम, अगले बरस तो जल्दी आ रहे जयकार के साथ विदाई दी गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गणपति विसर्जन किया, पूरा परिवार साथ रहा। पुणे में दगरू शेठ गणपति के पंडाल में पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार ने परिवार के साथ पूजा की। मुंबई में बैंकॉक से आई एक टोली ने किया गणपति विसर्जन, पहली बार इन लोगों ने पप्पा को स्थापित किया था। हैदराबाद में धूमधाम से हुई पप्पा की विदाई, गणेश की 70 फुट ऊंची मूर्ति हुसैन सागर झील में की गई विसर्जन। पत्नी के साथ गणेश मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। महाराष्ट्र के धुले में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा, जश्न मना रहे लोगों पर चढ़ा ट्रैक्टर, 3 बच्चों की मौत, 5 घायल। वाराणसी में लगातार बारिश के कारण वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ा, शास्त्री घाट के किनारे बंदरों की सीढ़ियां डूबी। कानपुर में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, हादसे से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात। बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास तेंदुआ देखा गया, पूरा इलाका हाई अलर्ट पर। लेबनान में पेजेसेट में सीरियल ब्लास्ट, आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के सदस्यों के पेजेसेट में हुआ धमाका, ब्लास्ट में 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। पेजेसेट में सीरियल धमाके की अफरा तफरी का माहौल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, ब्लास्ट में कई लोग गंभीर रूप से घायल। सीरियल ब्लास्ट में ईरान के राजदूत मुस्तबा अमामी भी घायल, धमाकों के हिजबुल्लाह कमांडर के घायल होने की भी खबर। म्यांमार में तूफानी आगी और बारिश का कहर, अब तक 226 लोगों की मौत, 77 लापता। म्यांमार की मदद से लिए गए आगे आया भारत, गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से भेजी गई राहत सामग्री। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भारत को झटका, अगस्त में निर्यात 9.3% घटकर 34.7 अरब डॉलर। रुपए में 11 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 83.75 रुपए। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 90 और निफ्टी 34 पॉइंट चढ़ा। भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास, 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, फाइनल में चीन को 1-0 से हराया।